ओके, इन दिस लेक्चर वी विल सी द टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीना। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स लेंथ। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइपोल एंटीना इज बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंड थिंग इज कि इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स अ लीनियर एंटीना। आफ्टर लुकिंग दिस फिगर आई कैन से द वैल्यू ऑफ करेंट इज मिनिमम हेयर, द वैल्यू ऑफ करेंट इज मिनिमम हेयर एंड इट मैक्सिमम हेयर। कैन आई से इट्स अ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, सो द लेंथ ऑफ दिस एंटीना इज नथिंग बट इट्स अ लैम्डा बाई टू और हाफ ऑफ द वेवलेंथ। वॉट इज द लेंथ फ्रॉम हीयर टू हीयर? दैट इज लैम्डा बाई फोर। एट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज लैम्डा बाई फोर। दिस टोटल लेंथ विल बी नथिंग एल्स, इट इज लैम्डा बाई टू। अगेन यू कैन सी दिस डाइपोल एंटीना इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड विथ सोर्स। सो एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वी ऑलवेज कनेक्ट अ लोड एट द प्लेस ऑफ लोड वी हैव कनेक्टेड एन एंटीना। मीन्स योर एंटीना इज बिहेविंग लाइक अ लोड। ओके, लुक एट हेयर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीना। वन इज हर्ट्जियन डाइपोल, सेकेंड वन इज स्मॉल डाइपोल एंड थर्ड वन इज लैम्डा बाई टू डाइपोल। ओके, सो रिमेंबर दैट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लेंथ। ओके, आप देखिए इस पॉइंट को, पॉइंट ए से ए डैश, एक लाइन ऐसी प्रोजेक्ट करिए, एक लाइन ऐसी प्रोजेक्ट करिए। कैन आई से कि इस ए और ए डैश पोर्शन पे करंट कैसा दिखेगा? ऑलमोस्ट थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का दिखेगा। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है ए और ए डैश, यहाँ पे करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट टाइप का दिखेगा। तो दैट करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? लैम्डा बाई टू है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लेंथ है थोड़ा छोटी सी लेंथ है, ये भी छोटी सी लेंथ है। तो ये जो लेंथ है, ये ए से ए डैश तक की जो लेंथ है, इट इज़ लेस देन लैम्डा बाई 50 है। इट इज़ लेस देन लैम्डा बाई 50 है। तो क्या मैं इसका ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ साथ ये भी देखा कि लेंथ क्या है, बहुत छोटी है। दैट लेंथ इज़ लेस देन लैम्डा बाई 50। इफ़ लेंथ इज़ लेस देन लैम्डा बाई 50, देन वी से इट्स अ हर्ट्जियन डाइपोल। रिमेंबर दैट कि कभी भी एंटीना की डायमेंशन हमेशा वेवलेंथ के टर्म में देते हैं। अच्छा, इस एंटीना की लेंथ हमने क्यों कितनी दी है? लैम्डा बाई टू दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसमें हाफ ऑफ द वेवलेंथ जैसा वेरिएशन है। इस वेव की जो लेंथ होगी कितनी होगी? लैम्डा बाई टू। क्या ये वेव की लेंथ इस लेंथ के इक्वल है? हाँ है। मतलब इसकी फिजिकल लेंथ कितनी हो? लैम्डा बाई टू के इक्वल हो। इसी तरीके से इन सेम मैनर इस ये जो लेंथ है वो क्या है? लेस देन लैम्डा बाई 50 है। देन वी से इट्स अ हर्ट्जियन डाइपोल। अच्छा, दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ए और ए डैश पे देखिए, क्या ए और ए डैश पॉइंट पे करंट की वैल्यू मिनिमम होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। करंट मिनिमम मिल गया, वोल्टेज मैक्सिमम मिल गया, क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इस केस में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। चलिए आगे चल के देखते हैं। अब ये एक मैंने आपके सामने फिर से वैसा ही फिगर बनाया है, डाइपोल एंटीना है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई टू है। क्यों बोला लैम्डा बाई टू? क्योंकि ये कैसा है? ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप रिकॉल करिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो एंटीना का जो लेंथ है वो किसको देख कर देते हैं? करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देख कर बोलते हैं। अच्छा, इस बार आप बी और बी डैश पॉइंट को कंसीडर करिए। बी डैश से एक लाइन प्रोजेक्ट करिए, बी डैश से एक लाइन प्रोजेक्ट करिए कुछ ऐसा।
कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करिए, बी डैश से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करिए। तो बी और बी डैश से, बी से एक पॉइंट ऐसा कनेक्ट करिए, बी डैश से एक पॉइंट ऐसा कनेक्ट करिए। तो ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको क्या वेव के जैसा दिख रहा है? नहीं। क्या आपको ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है? हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो लेंथ है, इस लेंथ के लिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर दिख रहा है। क्या ये जो बी से बी डैश की लेंथ लैम्डा बाई टू से कम होगी? बिल्कुल कम होगी। लेकिन ए ए डैश से क्या ज़्यादा होगी? बिल्कुल ज़्यादा होगी। रिकॉल दैट ए ए डैश कौन सा एंटीना था? हर्ट्ज़ियन डाइपोल एंटीना था। यहाँ पे एक नया एंटीना है जो बी, जिसकी लेंथ बी से बी डैश है। इस एंटीना को हम बोलते हैं, इस एंटीना को बोलते हैं स्मॉल स्मॉल डाइपोल एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल डाइपोल एंटीना बोलते हैं। अच्छा देखिए कैसे, यहाँ पे बी पॉइंट पे देखिए क्या करंट की वैल्यू मिनिमम है? बिल्कुल मिनिमम है। वोल्टेज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। बी डैश पे भी करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। सी पे क्या होगा? करंट मैक्सिमा, वोल्टेज मिनिमा। तो क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है इसके अकॉर्डिंग? जहाँ पे करंट मिनिमम मिल रही है वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ए सी बी पे मुझे क्या मिल रहा है? बी पे करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। सी पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। बी डैश पे करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। सी पे करंट मैक्सिमा, वोल्टेज मिनिमा। तो इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है मुझे, तो मैं इसमें बोलूँगा कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। खास बात ऑब्जर्व करिए, यदि मैं लेंथ को वेरी करता हूँ तो क्या मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है? बिल्कुल करता है। देखिए ए ए डैश पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्म था। बी बी डैश पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? ट्रायंगुलर हो गया। और इस पॉइंट सी सी डैश पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? हाफ ऑफ दी वेवलेंथ जैसा हो गया। मतलब मैं लेंथ को वेरी करा के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकता हूँ? वेरी कर सकता हूँ। यदि लेंथ ए ए डैश है तो कैसा एंटीना बनेगा? हर्ट्ज़ियन डाइपोल। बी बी डैश का लेंथ ले लिया तो कैसा डाइपोल बनेगा? स्मॉल डाइपोल। सी सी डैश का लेंथ ले लिया तो कैसा बनेगा? हाफ ऑफ द डाइपोल। तो देखिए तीनों की लेंथ देखिए कैसी है। हर्ट्ज़ियन डाइपोल की लेंथ लेस देन लैम्डा बाई 50। स्मॉल डाइपोल का जो लेंथ है लैम्डा बाई 50 से लैम्डा बाई 10 वेरी करे तो स्मॉल डाइपोल, बाकी के केस में लैम्डा बाई 2 डाइपोल, है ना। तो ये जो एक डाइपोल एंटीना है एक रेजोनेंट बिहेवियर को भी दिखाता है। तो डाइपोल एंटीना एज अ रेजोनेंट एंटीना की तरीके से काम करता है। तो रेजोनेंट एंटीना की डेफिनेशन क्या है? मेरा एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे एंटीना जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न एग्जिबिट करें वो सब के सब क्या होंगे? रेजोनेंट एंटीना होंगे। तो चलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला फिगर देखिए, इस फिगर को देखिए, डाइपोल एंटीना। इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, पक्की बात है। कौन सा डाइपोल एंटीना होगा? हर्ट्ज़ियन डाइपोल एंटीना होगा। इसकी लेंथ कितनी होती थी? लेस देन लैम्डा बाई 50। क्या यहाँ पे करंट मिनिमम है? हाँ है। वोल्टेज मैक्सिमम है? हाँ है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा? हाँ है, बिल्कुल स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। ऐसा एंटीना जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न दिखाए उसे हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंट एंटीना बोलेंगे। फिगर नंबर टू पे आइए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है? ट्रेंगुलर दिख रहा है। ये ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिला? लेंथ को वेरी करा के, अभी पिछले पेज में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे करंट की वैल्यू किससे है? मिनिमम है। वोल्टेज कैसा है? मैक्सिमम है। क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा इसके अलॉन्ग? यहाँ पे करंट कैसा होगा? मैक्सिमम। वोल्टेज मिनिमम। स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है। हाँ, कौन सा एंटीना होगा? रेजोनेंट एंटीना होगा। क्या ये लीनियर वायर एंटीना है? बिल्कुल है। क्या इसका लेंथ जो है हर्ट्ज़ियन डाइपोल से ज़्यादा होगा? हाँ होगा।
हर्ट्ज़ियन डाइपोल से ज़्यादा लेंथ है तो कौन सा एंटीना? स्मॉल डाइपोल एंटीना, जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ट्रायंगुलर है। स्मॉल डाइपोल एंटीना का जो लेंथ होता है कितने के बीच में रहता है? लेमडा बाई 52, लेमडा बाई 10। चलिए इस एंटीना पे आइए, क्या ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है? बिल्कुल है, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। हाँ होगा, मतलब इस एंटीना की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेमडा बाई 2। क्या ये डाइपोल एंटीना होगा? लेमडा बाई 2 डाइपोल, बिल्कुल है। पहला आर्म एक तरीके का पोल, दूसरा आर्म दूसरे तरीके का पोल, दोनों पोल मिला के बन गया क्या? डाइपोल। यहाँ पे करंट क्या होगा? मिनिमम। वोल्टेज कैसा होगा? मैक्सिमम। सेंटर पे क्या होगा? करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न है? हाँ है, तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है, मतलब किसका एग्जाम्पल है? रेजोनेंट एंटीना का। चलिए इस एंटीना को देखिए, इस एंटीना को देखिए, इसमें मैंने ट्रांसमिशन लाइन ऐसे कनेक्ट करी और ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे करंट कैसी होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे करंट कैसी होगी? मिनिमम। बताइए ये क्वार्टर वेवलेंथ जैसा दिख रहा है? ये करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वार्टर वेवलेंथ जैसा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोल या क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटीना बोलते हैं। क्या ये रेजोनेंट एंटीना है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे करंट कैसा है? मिनिमम है। वोल्टेज कैसा है? मैक्सिमम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्वार्टर वेव मोनोपोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए इन सभी केसेस में, सबके केसेस में क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? रेजोनेंट एंटीना के एग्जाम्पल होंगे। आप देखिए सभी केसेस में जो लेंथ आपने कैसे डिसाइड की, सभी एंटीना की लेंथ कैसे डिसाइड की? ऑन द बेसिस ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक और एंटीना लेते हैं, इसको माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कहते हैं। ये जो एरो बना हुआ है इसको बोलते हैं करंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? करंट वेक्टर्स। देखिए आप सेंटर पे करंट वेक्टर का लेंथ क्या है? ज़्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। फिर करंट वेक्टर का लेंथ धीरे धीरे कम होता जा रहा और यहाँ पे डॉट बन गया। यहाँ पे करंट वेक्टर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है। तो करंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे डॉट है, मतलब करंट की मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे करंट की मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, क्या हाफ ऑफ दी वेवलेंथ जैसा है? मतलब पक्की बात है, ये जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? लेमडा बाई 2 होनी चाहिए। इस पॉइंट पे देखिए करंट कैसा है? मिनिमम है। इस पॉइंट पे देखिए करंट कैसा है? मिनिमम। करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। सेंटर पे देखिए करंट कैसा है? मैक्सिमम है। तो वोल्टेज कैसा होगा? मिनिमम होगा। क्या स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो किसका एग्जाम्पल होगा? रेजोनेंट एंटीना का एग्जाम्पल होगा। तो आप सभी केसेस में देखिए लेंथ वी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज व्हेनेवर द स्टैंडिंग वेव फॉर्म अलोंग द स्ट्रक्चर देन वी से इट्स अ रेजोनेंट एंटीना। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंट एंटीना एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी कैन डिसाइड द नेम ऑफ दैट एंटीना और वी क्लासीफाई द एंटीना बेसिकली। सो इफ लेंथ इज लेस देन लेमडा बाई 50, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म हर्ट्ज़ियन डाइपोल। इफ लेंथ वेरीज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रैंगुलर, देन वी से इट्स अ स्मॉल डाइपोल। इफ लेंथ इज लेमडा बाई 2, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन हाफ ऑफ द वेव लेंथ, देन लेमडा बाई 2 डाइपोल। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट मीन्स क्वार्टर क्वार्टर वेव टाइप, इट मीन्स दैट इट्स लेंथ इज लेमडा बाई 4, इट्स अ मोनोपोल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना विच इज नथिंग बट इट्स अ रेजोनेंट एंटीना बिकॉज स्टैंडिंग वेव हैज़ बीन फॉर्म्ड अलॉन्ग इट्स स्ट्रक्चर, मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा। सो दिस एंटीना इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंट एंटीना। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।